ईटीवी भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। और इत्तेफाक की बात है कि आज आपकी सालगिरह भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपकी सालगिरह के लिए। धन्यवाद। एक विशेषता आप में है कि लोग जो हैं आपको विशेष करते हैं बर्थडे के दिन, लेकिन आप लोगों को इंस्पायर करते हैं कि उनको कैसे स्वस्थ और निरोगी रहना चाहिए। देखिए, मैं तो सबसे कहता हूँ कि खूब खाओ और खूब एक्सरसाइज करो और खूब काम करो। जो अच्छा खाएंगे अच्छा शरीर बनेगा, एक्सरसाइज करेंगे तो, और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आपको भी हम लंबे वक्त से देख रहे हैं इसी तरह फिट, लेकिन सियासत में फिट बने रहें, चुनावी सियासत में जब आरोपों की झड़ी लगती है तो उसके भी तो कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कोई भी कैसा भी आरोप लगाए, सवाल ये कि उस आरोप में सत्यता कितनी है। अब लोग आरोप लगाने वालों को मूर्ख बोलते हैं। इंदौर जो है आपका एकदम होम पिच है, दूसरा मालवा के आप बड़े नेता हैं, इस लिहाज से देखें तो ये जो नोटा का एक कैंपेन शुरू हुआ है इसको किस तरह से संभाल पाएंगे? देखिए, ये जो फ्रस्ट्रेट लोग रहते हैं ना, वो हमेशा नकारात्मक काम करते हैं और नकारात्मक प्रचार करते हैं, पर ये शहर सकारात्मक है। इंदौर शहर सारे देश को प्रेरणा देता है। आज सफाई के मामले में हम 7 साल से नंबर 1 है, ये सकारात्मकता है। यदि हम खान पान में देखें यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, तो इंदौर देश में अव्वल नंबर का है। और इसलिए हमारे यहाँ सकारात्मकता है, हमारे यहाँ जो भी चेहरा दिखेगा आपको हंसता हुआ मिलेगा। ये हंसते हुए चेहरे वाला शहर है जहाँ लोग मस्त रहते हैं और सकारात्मकता, उसमें नकारात्मकता नहीं है। इसलिए नकारात्मक बात पर यह शहर कभी भी नहीं जाता। कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया का एक बड़ा विवादित बयान आया है कि जिनकी 2 बीवियाँ होंगी उनको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। कांतिलाल जी भूरिया 70 साल के हो गए और हमारे यहाँ हमारे पूर्वज कहते थे कि बच्चे और बूढ़े दोनों एक समान होते हैं, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक सवाल और, मणिशंकर अय्यर का आज बयान आया है कि पाकिस्तान का इसलिए मान करना चाहिए कि उसके पास परमाणु बम है। शायद उनको पता नहीं है कि भारत के पास भी परमाणु बम है। परमाणु बम, परमाणु मिसाइल आसमान में चलने वाली, ज़मीन में चलने वाली और पानी के अंदर चलने वाली। इसलिए भारत को कम नहीं आके, वो भले ही पाकिस्तान का नमक खाते हो तो पाकिस्तान में जाके रहे, कम से कम उल्टी सीधी सलाह भारत को न दें। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप प्रबंधन के भी बहुत माहिर हैं, पूरा चुनाव आपने देखा है, 3rd फेज की वोटिंग हो चुकी है, 4th फेज की होनी है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें और जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है क्या उस पर कायम है कि उतनी सीटें आएंगी? मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीट जीतेंगे हम, और जो 400 पार का नारा दिया हम उसके आसपास ही हमारा परिणाम आएगा। देश की जनता एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ थे बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो नारा था 400 पार का, नतीजे भी उसके आसपास ही आएंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।